ये इंग्लिश का नंबर 1 लिखा हुआ है और ये हिंदी में क्या लिखा है 1 और ये उर्दू में लिखा है 1। तो हिंदी और उर्दू दोनों की आवाज़ और बोली और साउंड एक जैसी है। इसको नंबर 1 को उर्दू में और हिंदी में क्या बोलते हैं 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू और हिंदी जो है ना दोनों एक ही जैसी भाषा है। अगर फ़र्क है तो सिर्फ लीप का और लिखाई का। हिंदी के जो लिखाई है और लीप है वो देवनागरी है और उर्दू की जो लिखाई है और लीप है वो फारसी है। ये फ़र्क है। अच्छा, हिंदी में जो लिखा हुआ है एक, इसमें हिंदी के दो अक्षर है ए और क, एक। और ये उर्दू में जो लिखा हुआ है एक, इसमें 3 अक्षर हैं अलिफ और ये और काफ। तो थोड़ी सी तफसील से इसको देखते हैं। पहला हर्फ क्या है? अलिफ। दूसरा हर्फ क्या है? ये। और तीसरा हर्फ क्या है? काफ। अच्छा, ये उर्दू में दो तरह से लिखते हैं, छोटी ये और बड़ी ये। अलिफ लिखने का तरीका यह है कि ऊपर वाली ये लाइन जो देख रहे हैं इस पे कलम रखेंगे और नीचे वाली लाइन पे इसको लाके छोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से क्या हो गया, अलिफ। अच्छा, छोटी ये लिख के देखते हैं। छोटी ये आधी लाइन के ऊपर और आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। जैसे इंग्लिश का एस बनाते हैं ना, तो ऐसे ही इसको बनाएंगे। और बड़ी ये लाइन के बीच में कलम रखेंगे और ये लाइन पे इस तरह से ले जाके छोड़ देंगे। और काफ लिखने का तरीका यह है कि ऊपर वाली लाइन के नीचे कलम रखेंगे और ये लाइन पे टच करने के पहले इसको इस तरह से घुमा कर थोड़ा ऊपर कर देंगे और एक डंडा इस तरह से ये लगा देंगे। ये क्या हो गया, काफ। हाथ से लिखेंगे तो ये तो इस तरह से लिखेंगे। और अगर हम आजकल जो नया सिस्टम है कीबोर्ड के ज़रिए से लिखने का, तो हम जब कीबोर्ड के ज़रिए से लिखेंगे तो सबसे पहले किसको टच करेंगे, अलिफ को। उसके बाद टच करेंगे ये को। उसके बाद टच करेंगे ये काफ को। तो ऑटोमेटिक एक लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि आप ये देख रहे होंगे कि इसमें कितने हर्फ बताया, 3, अलिफ और ये और काफ। तो ये बीच में दो बिंदी वाला या जो हर्फ है वो ये है, लेकिन यहाँ पर ये कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इसकी वजाहत ये कर दूँ कि उर्दू के जो हरूफ हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं, कभी फुल लिखा जाता है और कभी शॉर्ट लिखा जाता है। फुल लिखा हुआ है ये छोटी ये और ये बड़ी ये, लेकिन जब शॉर्ट लिखा जाएगा तो ये या मुख्तसर हो जाता है। तो देखिए इस तरह से होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया है, तो ये दो बिंदी ये क्या आ गई इसमें। आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि जब हम कीबोर्ड के ज़रिए से लिखेंगे तो इसको अलिफ को टच करेंगे और इस ये को टच करेंगे और काफ को टच करेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अगर हमने अलिफ को टच किया और इस वाले ये को टच किया और काफ को टच किया तो ऐसा नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि उर्दू के कुछ हरूफ ऐसे हैं कि अपने बाद वाले हर्फ से कभी नहीं मिलता है। तो जैसे उन्हीं में से ये अलिफ भी है कि देख रहे हैं अलिफ लिखा है उसके बाद ये से टच नहीं हुआ है। तो ऐसे ही उन्हीं हर्फों में से ये हर्फ है
कि अपने बाद वाले हर्फ से टच नहीं होता है। तो अगर हम इसको इसके ज़रिए से लिखेंगे तो ये काफ से टच नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इसलिए इसी ये को टच करेंगे क्योंकि ये काफ से मिल जाती है। तो ये वाली जो ये है ये अपने बाद वाले से भी मिल जाती है और अपने पहले वाले लेटर से भी मिल जाती है, तो इसलिए इससे इसको टच करेंगे। अच्छा, अब आपको ये बता दूं कि ये यहाँ पर जो ये है कौन सा ये है, ये वाला। अगर ये वाली ये होगी तो उसकी पहचान ये होती है कि ये दो बिंदी है तो उसके नीचे इस तरह के निशान होंगे, और अगर ये वाली ये है तो ये दो बिंदी के नीचे इस तरह से निशान नहीं होगा। इसको खड़ा जेर भी, खड़ी जेर भी बोलते हैं। और नहीं तो फिर ये है कि नुक्ते से पहले जो पहला हर्फ अलिफ है उस पे जेर आएगी तो ये वाले ये होगी, और अगर जेर नहीं है तो फिर ये वाले जेर है। अच्छा, एक और बात ये बता दूँ कि हिंदी के लिए जो ये छोटी ये है बड़ी ई की मात्रा की जगह इस्तेमाल होती है, और ये वाली ये ए की मात्रा के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये तो लिखने का तरीका हुआ शब्दों में जिसे अक्षरों में भी बोलते हैं या लफ्ज़ों में, कि कहते हैं ना कि भाई ये लिखो शब्दों में, और उर्दू में कहते हैं लफ्ज़ों में लिखो, और एक दूसरा तरीका क्या है अंकों में लिखो। तो अगर हम अंक के ज़रिए से लिखेंगे तो अलिफ लिख जिस तरह से लिखते हैं ऐसे ही उर्दू का एक लिखा जाता है। अलिफ लिखा, उसके बाद ये बनाया, उसके बाद इसमें ये काफ जोड़ दिया, ये क्या हो गया एक शब्दों में, है नहीं? और अगर हमें एक अंकों में लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे हमने अलिफ लिखा ऐसे ही एक लिखा जाता है, ये इस तरह से। तो ठीक है, आपने दोनों तरह से नंबर एक लिखना सीख लिया, शब्दों में भी और अंकों में भी। और ख़ास तौर से यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप ध्यान दें तो आपने यहाँ इस वीडियो के अंदर पांच चीज़ें सीखी। नंबर एक क्या सीखा आपने, अलिफ लिखना। नंबर दो छोटी ये। नंबर तीन बड़ी ये। और नंबर चार काफ। और नंबर पांच नंबर एक लिखना। तो इस तरह से आप अगर थोड़ी सी दिलचस्पी लें तो उर्दू आसानी से सीख लेंगे और आप उर्दू की गिनती भी सीखते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।